देश के 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। वहीं यूपी में भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन सामने आया है, जिसके बाद में पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। राजस्थान के दोसा में भी भाजपा पूरी तरह जश्न में डूबी हुई नजर आई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवारी और पूर्व सभापति राजकुमार जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान दोसा के नेहरू गार्डन के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं ढोल की धुन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, जीत की खुशी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू मंगवाए और जीत के लड्डू बंटवाए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि 5 राज्यों का परिणाम आशाओं के अनुरूप आया है और ये परिणाम सिर्फ झांकी है, अब तो 2023 में राजस्थान की बारी है। उसके साथ और कई जगह 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत मिला है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उस पर सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ ये ऐतिहासिक सीट पर आतिशबाजी करके और नारेबाजी करके खुशी जाहिर की है, मिठाइयाँ बांटी हैं और हम इस बात को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। हमारा नारा है कि ये तो अभी झांकी है और राजस्थान अभी बाकी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।